Hey everyone, welcome back to new video. So, आज की जो वीडियो है वो लास्ट वाली वीडियो का जो है कंटिन्यू है. ये जो है सेकेंड पार्ट है. सो होप यू गाइज एंजॉय इट और आप डेफिनेटली इसमें से कुछ सीखें. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ आई कुड हैव वन विश इट वुड बी. अभी की मैं विश के बारे में बात करूंगी तो ग्रोइंग माय चैनल, यही मेरी विश है. मैं जब भी 11/11 देखती हूँ या समथिंग यूनिक देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अच्छी लगूंगी, किसी को मैं बुरी लगूंगी, दैट आई नो. मतलब पीपल लव मी और हेट मी, बट एटलीस्ट आई हैव ओपिनियंस. और बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं आपसे. काम के बारे में और क्लैरिटी हो जाएगी क्योंकि काफी बार आपको वैलिडेशन नहीं होती. वैसे आपको जरूरत नहीं होती है वैलिडेशन की, आप काम करते जाओगे, बट एक बार रिकॉग्निशन की जरूरत होती है जहां आपको पीपल वैलिडेट कर देते हैं कि ये थॉट सही है या गलत. वो अपने प्रोस्पेक्टिव से करते हैं, पता नहीं चलता, बट ऐसा है नहीं. लोग कमेंट नहीं करते होंगे, बट लोग मुझे बाहर ऐसे नॉर्मली जानते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब जब मैं उनसे मिलती हूँ मुझे यकीन नहीं होता है और वो उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये भी देख के कि यार ओ गॉड, जरूरी नहीं है वो कमेंट में, बट पीपल लाइक मी, सो दैट्स लाइक माय वन विश. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डू आई फील सेफेस्ट. तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट मुझे अपने लव वंस के साथ फील होता है. ऑफकोर्स जब मैं अपने अपनी फैमिली के साथ होती हूँ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट मुझे तभी फील होता है और मुझे कभी ज्यादा बाहर कभी ज्यादा सेफेस्ट फील नहीं होता. अपने कंफर्ट जोन में मुझे ज्यादा सेफेस्ट फील होता है. और नेक्स्ट जो है, व्हाट और हु गिव मी कंफर्ट. नॉर्मल क्वेश्चन है, जिससे भी आप प्यार करते हो वो आपको कंफर्ट देता है. लोग आपको रियल में वो आपको सच में कंफर्ट, जो आपको सही एडवाइस देते हैं, सही चीज बोलते हैं, तो ऑफकोर्स वो आपको कंफर्ट देते हैं. If I was not afraid, I would. मुझे लगता है कि I'm not afraid of anything right now. मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज से डरती हूँ क्योंकि पहले मैं डरती थी लोगों की फीलिंग्स जो है हर्ट करने से, और अगर मैं उनके बारे में ना सोचूं और अपना काम करती रहूं तो आई वुड बी अ फियरलेस पर्सन और आई थिंक आई एम. जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज माय प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट. मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल खोलना ही एक मेरा अकम्प्लिशमेंट है ही. मैंने जो है ये ट्राई करा. मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज ट्राई करना ही आपका बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट होता है, वरना काफी टाइम तो हम बस डरते रहते हैं कि यार ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा. तो आपने जैसे ही कुछ करने का स्टार्ट करा वही आपकी अकम्प्लिशमेंट है. और जब मेरे को बहुत सारे ब्रांड्स ने जो है रिकॉग्नाइज करा एज लाइक वर्किंग विद देम, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे लोग जो है मेरे कॉन्टेंट को पसंद करते हैं. वॉट इज माई बिगेस्ट फेलियर. मुझे लगता है कि फेलियर इट्स अ गुड क्वेश्चन. ज्यादा फेलियर लगता नहीं अपनी लाइफ में. मुझे लगता है कि हर चीज कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाती है. भी कोई स्टेप उठाते हो और वो नहीं होता है तो वही आपका आगे का जो है सहारा हो जाता है कि आपको आगे जो है क्या करना है. तो विच इज लाइक अमेजिंग कि आपको फेलियर की मैं बात ही करूं तो मुझे एक चीज लगती है बहुत ज्यादा ये फील होता है कि मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल पे बहुत टाइम बाद अपना काम करना स्टार्ट करा, जो जिसके लिए मुझे लगता है कि आई एम बेटर. और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करा क्योंकि मुझे आदत है पूरी बात करने की. मुझे आदत है जो भी मेरे मन में है वो सारी बात मैं कहूँ. तो मुझे लगता है कि यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है सारी बातें अपनी खुल के बात कर सकते हो आप, और लोगों के पास इतना टाइम होता है सुनने का समझने का. बट इंस्टाग्राम इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को आपकी बातें सुननी होती है. वो बस वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं और वो सोचते हैं कि 3-4 सेकंड में आप उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू दे दो, विच इज इम्पॉसिबल. आप 3-4 सेकंड में तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट वहां पे ऐसा होता है. तो कि मैं जिसमें अच्छी हूँ मुझे वो करना चाहिए था रेदर देन वेस्टिंग माई टाइम. मैं थोड़ा सा मानती हूँ कि इंस्टाग्राम इज माई फेलियर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं. आई जस्ट फील दैट दैट प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर मी, हु वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग और हु वॉन्ट टू टॉक अबाउट इन डिटेल और अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए तो ये ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ. तो मुझे सारी चीजें जो है अच्छे से बताना और समझाने का मन करता है. जो क्वेश्चन है वो है एम आई नाइट और अ अर्ली बर्ड, हाउ कैन आई अरेंज माई लाइफ टू बेटर और सूट दिस पार्ट ऑफ माई नेचर. मुझे लगता है कि मैं नाइट आउल तो बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे तो इतनी ज्यादा नींद आती है, कभी कभी पूरा डे निकाल लेती हूँ और फिर जो है मुझे रात को जो है सोना पसंद है ज्यादा. कि अगर आपका एक पूरा दिन जो है वो खराब होता है, मतलब आप वो आपकी वजह से हुआ हो या किसी और ने आपका डे खराब कर दिया हो, तो अगला दिन जो होता है ना वो बहुत अच्छा सा होता है. मतलब ऐसा लगता है कि अगला दिन जो है वो बहुत नया होता है, नई फीलिंग्स के साथ उठते हो आप, जो वो पुरानी बातें उसे भूल जाते हो. तो इसलिए मैं नाइट आउल नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं अगला दिन उठ के और उससे अच्छा फील कैसे कर पाऊंगी. मैं वो उस स्ट्रेस में होंगी रात के कि अरे यार मैं जगी थी, मैं परेशान थी. तो अगर आप 4-5 घंटे सो के अगला दिन जब वो स्टार्ट होता है तो फिर आपको अच्छा लगता है कि यार चलो आज नया दिन है, आज नई चीज करेंगे. अब दिन में आपका कोई मूड वूड खराब कर दे या कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आपका मूड खराब हो जाए वो अलग चीज है, बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे इज अ ब्यूटीफुल. एक रूटीन बन गया कि मुझे सुबह उठते ही जीरा वाटर पीना है या मुझे ग्रीन टी पीनी है, तो मैं लिटरली वेट करती हूँ. जब आई चूज टू बिकम अ अर्ली बर्ड रेदर देन नाइट आउल, मुझे लगता है वो किसी भी काम का है. आपको स्ट्रेस ही होगा, इतना जगना भी नहीं चाहिए. सो भाई नींद लो अच्छी, जिंदगी एक ही है. मतलब आराम क्या ही हो सकता है रात को जग के. तो मुझे नहीं पसंद रात को जगना.
What do I like about my job and what do I dislike? What I like about my job, I like being on camera. कि मुझे कैमरे के सामने अच्छा लगता है और मुझे अपनी अच्छी अच्छी फोटोज अच्छी लगती है. मतलब कैमरा इज ऑलवेज माय फेवरेट थिंग. जब मैं ये काम नहीं भी करती तो आई ऑलवेज टेक अ पिक्चर. ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी भी है कि मेरे पापा ने जो है जब हम लोग छोटे थे तो मेरे पापा ने एक कैमरा खरीदा था जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होता था. तो हम लोग जब भी गाँव जाते थे एंड जहाँ पे हमारा गाँव है एंड वहाँ पे मैं पूरा पूरा दिन जो है उससे शूट करती रहती थी. और मुझे ये नहीं पता था कि आज जो है मैं ये बनूंगी और मुझे एक्चुअली इतना पसंद है वो करना. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई करियर भी होता है. बट आई थिंक आपको बचपन की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है आपको फील करवाती है कि जो आप करना चाहते हो. और बचपन में मैं जब मैं बहुत छोटी थी और मैं जब टीवी एक्ट्रेस देखती थी तो मुझे लगता था मैं बेसिकली बोलूंगी टीवी एक्ट्रेस. बिकॉज मेरा इतना बड़ा ड्रीम नहीं था कि मैं एक फिल्म स्टार वाला कोई मैंने कभी नहीं सोचा था. मुझे लगता था कि बिकॉज ऑफ क्लोथ्स मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करेंगे वो सारे क्लोथ्स. तो दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कर सकती. बट मैं टीवी एक्ट्रेस सोचती थी क्योंकि टीवी एक्ट्रेस जो है वो हमेशा साड़ीज एंड सूट और मतलब ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स में रहते हैं. तो मुझे लगता था कि मैं बड़े होके जो है टीवी एक्ट्रेस बनूंगी. तो ना कहीं फीलिंग थी बट मैंने कभी किसी से जाहिर नहीं की. व्हाट आई डिसलाइक अबाउट माय जॉब, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि सारे लोगों को देखती हूँ. फीलिंग भी नहीं होती है बट वो लोग जो है ना अपनी नई नई फीलिंग्स जो है वो लेके आते हैं, सारी चीजें कॉपी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. और लोगों को पीछे का नहीं पता होता कि यार ऐसे रैंडमली देखते हैं और एकदम से मतलब पसंद करने लग जाते हैं बट वो एक्चुअली वो लोग करते हैं नहीं. और इसी को बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ मिल जाती है. मेहनत तो सब करते हैं बट वो मेहनत ऐसी है जो आप कॉपी करके कर रहे हो. तो मुझे हमें हार्डवर्क होना चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए. मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं काफी बार मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर नहीं होती है बट वो फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, वो फेक पर्सोना बना लेते हैं. तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. लोग गलत इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जनता को डिसऑनेस्टी से. ऐसा बोल देंगे कि यार ये चीज ना करने से ये हो जाएगा बट ऐसा होता नहीं है. या अनरियल होकर लोग भी मान लेते हैं क्योंकि वो इस बात सोचते नहीं है और लोग बहुत भोले होते हैं. तो विच आई डोंट लाइक इन माय जॉब और लोग करते भी हैं. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज माय इनर क्रिटिक टेल me to forget everything and work towards your dream and work 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 so much work. Oh, please किसी की बातों को जो है अपने दिल पे मत लो. बाकी आप अच्छा करोगे लोग आपको hate करेंगे, love करेंगे, मतलब सब करेंगे. अपनी अच्छी चीजों को भी बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे मत लो. और अपने कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ गलत भी है. अगर आप मतलब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, ऐसी चीजें कर देते हो तो उसको भी बहुत ज्यादा दिमाग पे मत लो. और बहुत सारी चीजें दिल पे मत लो. लोगों का काम है बोलना और लोगों का काम है ये सारी चीजें करना. तो मतलब जस्ट डू योर वर्क. मतलब मेरे को यही कहता है मेरा इनर क्रिटिक कि यार कुछ भी हो जाए लाइफ में तुझे काम करते रहना है और करते रहे. मतलब इतना सोचा मत कर, इतना रोया मत कर हमेशा कि ये हो रहा है वो हो रहा है. लीव एवरीथिंग, जस्ट डू योर वर्क. लोगों के पास कोई काम नहीं है ये करने के अलावा, बट आपके पास काम है तो काम करो अपना. तो ये मेरा अंदर का सेल्फ बोलता रहता है मुझे बट मैं मानती नहीं हूँ. मैं फिर भी बह जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ. खैर, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू आई डू टू शो माई सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ केयर. मैंने आपको बोला कि मैं सेल्फ केयर में मेरी जर्नी चल रही है अभी. इसमें मैं काफी बार अपने आप को मतलब अच्छा भी समझती हूँ. काफी बार मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ केयर में लग जाती हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे चीजें करनी है, मुझे ये करना है. काफी बार मैं इसे भूल भी जाती हूँ. तो आई एम ऑन माई जर्नी. तो मैं ये करूंगी, मैं सीख रही हूँ. मैं अभी सीख रही हूँ कि हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. आई एम जस्ट लर्निंग. आई एम नॉट, मैं आपको बोलूंगी कि आई एम नॉट एट ऑल गुड. मैं बहुत ज्यादा ले लेती हूँ यार सारी चीजें. तो आई एम ऑन माई जर्नी. क्वेश्चन है वो है एम आई इंट्रोवर्ट्स और एन एक्सट्रोवर्ट्स. एम आई एनर्जाइज बींग अराउंड अदर्स और बींग माई सेल्फ. एक्चुअली मैं पहले बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी और मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी जब मैं लोगों के अराउंड होती थी. तभी मुझे एक्चुअली एनर्जी आती थी क्योंकि मैं बात कर पाती थी, अपने थॉट्स रख पाती थी. बट जब मैं एक्चुअली दुनिया में समझी कि हर बंदा आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, मगर वो उसमें आपकी कमियां और आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना पकड़ता है, मतलब पॉइंटर्स पकड़ लेता है. उसके बाद उस पॉइंटर्स पे आपके साथ आपको बुरा बनाने की कोशिश करता है कि इस बंदे से ये कह देता है, उस बंदे से ये कह देता है कि अरे इस बंदे ने ना ये वाली बात कही थी. और मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगी. और मेरी एक फ्रेंड थी और मुझे लगता था मैं उससे कोई भी बात बोल सकती हूँ. मेरे पास एक दिन पैसे नहीं थे एंड सब लोगों ने खाना ऑलरेडी मंगवा लिया था. बोला मैं खा नहीं रही थी बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता. व्हेन आई डोंट हैव मनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा. बट वो मुझे फ्यूल करने लग गई कि अरे खाना खा ले खा ले खा ले खा ले. आई एम लाइक यार एक काम कर सकते हैं क्या, विल आई गिव माय रोटी का पैसा और यहाँ तो मैं खा लूंगी तुम लोग के साथ. तो उसने जो है वो वाली बात जो है हर बंदे को बताई कि मैंने ऐसा बोला कि मैंने रोटी के पैसे दे दूंगी और मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मतलब समडे यू डोंट हैव मनी यार, इट्स फाइन. किसी दिन आपके पास पैसे होते हैं, किसी दिन आपके पास हजारों रुपए होंगे, 2000 रुपए होंगे, और किसी दिन पैसे आपके पास नहीं होंगे. और इसमें कोई गलत नहीं है. और अगर आप ऑनेस्ट हो कि यार आप खा भी नहीं रहे और आप बोल भी रहे हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो और फिर आपने ये बात मैं ना रोटी के पैसे दे रही हूँ, बट स्टिल वो आपके बारे में जो है पहले तो वो आपको कंफर्ट कर रहा है कि तू ये काम कर. और उसके बाद वो वही वाली बात जो है लोगों को बता रहा है कि यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बुरी इंसान है, मतलब ये तो इतनी अजीब इंसान है, ऐसी इंसान है, वैसी इंसान है, मतलब इसके पास कुछ होता नहीं है, ये बेकार है,
मतलब वो रॉन्ग है, मतलब तुमने किसी को कंफर्ट करा और वो बंदा तुमसे कुछ भी कह सकता है, मतलब इस लेवल का तुम्हारा रिलेशनशिप है, और जब तुमने उसने कुछ ऐसा कहा तो तुमने उसे जज किया, विच इज लाइक, इसलिए मैं जो है अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट रहूं और मैं किसी से बात ही ना करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता बात कर, लगता कि एक्सट्रोवर्ट बन के आपका कुछ भी फायदा होने वाला, आप जितना बोलोगे आप डेंजर में जाओगे, तो फायदा नहीं है आपका, ज्यादा मत बोलो भैया, लोग उल्टी सीधी बातें निकालेंगे और तुम्ही को गलत ठहरा देंगे, तुम बन जाओगे विलन और वो बन जाएंगे अच्छे, तो ट्राई करो कम बोलो, सोच समझ के बोलो जो बोलो। सो ये मैं भी अपनी लाइफ में ट्राई कर रही हूँ और आप भी करें। So, ये आ गए इंट्रोवर्ट, इन्होंने मुझे सिखाया इंट्रोवर्ट बनना। बाय। 2000 years later. What I'm passionate about? I'm passionate about love. Yeah. तो लगता है कि मैं बहुत passionate हूँ प्यार के बारे में, करियर के बारे में, प्यार बहुत ज्यादा passionate लगता है वर्ड, और थॉट बहुत अच्छा लगता है, हम किसी से प्यार करते तो हमारी कैसे कैसे फीलिंग्स आती है, क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। वॉट इज माई हैप्पीएस्ट मेमरी? सो माई हैप्पीएस्ट मेमरी इज ऑल अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स और मी, मैं उनके साथ हर जगह घूमने जाती थी, हर बच्चे को वो मिलना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपकी लाइफ में होते हैं, उनसे बेहतर, उनसे ब्यूटिफुल, उनसे प्यारा कुछ नहीं होता, वो आपसे जितना प्यार करते हैं वो कोई और उतना आपसे प्यार नहीं कर सकता, इवन योर पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि आपसे इतना प्यार नहीं करते जितना आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, तो दिस इज लाइक बेस्ट। व्हाट डू माई ड्रीम्स टेल मी? माई ड्रीम्स टेल मी टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डू बेटर, जल्दी जल्दी से यार तुम काम करो और सब लोगों से प्यार करो। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज माई फेवरेट बुक, मूवी, फूड, कलर एंड एनिमल? आई लाइक बुक्स अबाउट लव एंड बुक अबाउट डीप थॉट्स। अच्छा, एक पावर पढ़ी थी मैंने, वो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी थी, तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है, फिक्शन, नॉन फिक्शन। अब मैं बहुत ज्यादा नॉन फिक्शन की तरफ भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है, और फिक्शन में तो आप ड्रीम में ही रहते हो तो उसमें आप ज्यादा सीख नहीं पाते हो, बट आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो उसमें, लाइक कोई सोशल इशूज पे जो मूवीज होती है, मुझे वो सारी मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आई लव फूड, मतलब मुझे लगता है कि मैं हर दिन अच्छा अच्छा खाना पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा खाना, तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा खाना खा पाऊँ, मतलब पैसे कमा के मेरा सबसे मेन मकसद है खाना खा पाऊँ अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा। एंड कलर इज फेवरेट कलर इज माई ब्लैक, आई लव 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 ब्लैक सो मच, मुझे आई लाइक एवरीथिंग अबाउट ब्लैक। एनिमल में मुझे डॉग पसंद है, और डॉग इसलिए बिकॉज माइलो है मेरे पास, माइलो जब से मेरे पास आया है मुझे बहुत ज्यादा डॉग्स पसंद आने लग गए हैं, और मुझे उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा फील होने लग गई, हार्ड होता है कि यार बेचारे डॉग्स जो है बाहर घूमते रहते हैं और कोई उनसे प्यार नहीं करता, सब लोग उन्हें भगाते रहते हैं क्योंकि सब लोग इतना डरते हैं उनके काटने से, जो कि डरना भी चाहिए, मगर यार अगर आप प्यार से किसी भी इंसान को, किसी भी एनिमल को या किसी भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा प्यार से रखोगे वो कभी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, मुझे ऐसी फीलिंग होती है यार, बहुत प्यारे होते हैं, मतलब वो आपकी एक एक फीलिंग समझते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। मैं लव जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा वो आपको नहीं पता होगा, आप डरते रहोगे। जब से माइलो आया है मैं बाहर के डॉग्स को भी इतना प्यार करने लगी हूँ, जो बाहर होते हैं उनको मैं खाना देती हूँ, और मतलब मैं एक बार में यहाँ पे जितने भी डॉग्स है ना यहाँ पे मैं, मतलब मेरे घर के पास भी, वो सबको मैं खाना देती हूँ, तो वो लोग मैं जैसे ही मना करूंगी ना कि चिल्ला क्यों रहे हो, सब चुप हो जाएंगे, और वो इतनी ज्यादा मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, तो आई लव इट, मुझे बहुत पसंद। What I am grateful for, I am grateful for everything whatever I have in my life. पहले मुझे लगता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, but मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा grateful हूँ कि जो भी मेरी life में है वो best है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ भी change करना है। I am gratitude towards my family, towards my Milo, towards everyone who supported me, who loved me. When I'm feeling down, I like to, आपको सच बताओ, when I'm feeling down, I like to talk about and repeatedly talk about. नहीं चाहिए उससे आप और स्ट्रेस में ही हो, मुझे पता नहीं है, मुझे बस मेरे को उसके बारे में बात करके उसे रिजॉल्व करना है। मैं बहुत ज्यादा डाउन हो जाती हूँ तो आई ट्राई टू लिसन म्यूजिक, म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी। आई नो आई एम स्ट्रेस्ड when someone talk about me, जो सच ना हो, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ जब मेरे बारे में जो बातें सच ना हो और लोग घुमा घुमा के बोले और जो मैं बोल ना पाऊँ, तो मुझे लगता है मैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ मैं किसी से बात ही ना करूँ जो मेरे बारे में फालतू बोल, मैं स्ट्रेस हो जाती हूँ बेफालतू, मेरे डेज खराब हो जाते हैं, मेरा काम खराब हो जाता है, मैं तो काम कर रही हूँ भाई, मेरे पास काम है, लोगों के पास काम नहीं है, तो मैं क्या करूँ, उनका काम ही यही है उनके बारे में बोलना। खैर सारे क्वेश्चन थे उसका जो है आंसर दे दिया, और होपफुली यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।